नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। आप अकाउंटिंग बोलिए या कॉस्ट अकाउंटिंग बोलिए, एक ही बात है। इंटीग्रल सिस्टम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक नए टाइप का सिस्टम है और इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है आपके नॉन इंटीग्रल से। फिर हमको ये पढ़ना है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसमें कौन कौन से लेजर्स या अकाउंट्स बनते हैं, वो भी हमको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट बुक्स, ये है इम्पॉर्टेंट, ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट बुक्स इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे कोई भी कंपनी होती है, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं मेनली अलग, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और फिर ये दोनों अपनी डिफरेंट अलग अलग बुक्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। दोनों बिल्कुल अलग अलग अपनी बुक्स बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट के लिए ये बनाते हैं आपके कॉस्ट शीट और ये बनाते हैं आपके पी एंड एल, तो ये अलग अलग बनाते हैं। ये है नॉन इंटीग्रल सिस्टम। लेकिन इंटीग्रल सिस्टम या इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ही बुक बनती है और उस एक ही बुक के अंदर इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को कंपाइल किया जाता है। द सिस्टम इम्प्लाइज द मर्जर ऑफ बोथ, देखिए मर्जर हो रहा है यानी दोनों को मिला के करते हैं, मर्जर ऑफ बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इन वन सेट ऑफ बुक्स, एक ही सेट ऑफ बुक्स बनता है और उसी के अंदर कॉस्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दोनों की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। द टू सेट्स ऑफ अकाउंट बुक्स मर्ज इनटू अ कंपोजिट सिस्टम, एक सिंगल कंपोजिट सिस्टम है, उसी के अंदर दोनों की जो बुक्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो डाटा है, उनको कंपाइल किया जाता है, जोड़ा जाता है, एक साथ रखा जाता है। जो सीमा है लंदन का, वहाँ का जो कॉस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ का जो कॉस्टिंग के लिए जो एलीट इंस्टीट्यूट है, तो वो उसने कैसे डिफाइन किया है इसको, इंटीग्रल सिस्टम एज अ सिस्टम इन विच द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स आर इंटरलॉक्ड, इन दोनों को एक साथ एक दूसरे से जोड़ के एक दूसरे से लॉक करके बनाया जाता है, टू इंश्योर दैट ऑल रेलिवेंट एक्सपेंडिचर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट अकाउंट्स, ये इंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि सारे के सारे खर्चों को ले लिया गया है, किसी भी खर्चे को छोड़ा नहीं गया है, जितने भी संबंधित रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। फीचर्स देखते हैं इसके। अब हम देर इज़ नो नीड ऑफ कॉस्ट लेजर, यहाँ पर कॉस्ट लेजर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑल कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द फाइनेंशियल लेजर, क्योंकि जितने भी कंट्रोल अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल लेजर के अंदर ही बना लिए जाते हैं। कंट्रोल अकाउंट जो होते हैं वो टोटल के द्वारा मैच किए जाने की एक टेक्निक है, जो सब्सिडरी अकाउंट्स बनाए जाते हैं साथ में और उनके टोटल्स को हम मेन अकाउंट के अंदर जो है लेते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वो एक तरीका है एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को कंट्रोल करने का। देर इज़ नो नीड टू ओपन अ कॉस्ट लेजर यानी कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट कंट्रोल अकाउंट उसको खोलने की अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोथ द एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्टिव अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म के अंदर ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अप्लाई करा जाता है। सब्सिडरी लेजर जो मैंने अभी ऊपर बात की, सब्सिडरी जो लेजर है, जैसे कि स्टोर लेजर हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर हो गया, फिनिश्ड गुड लेजर हो गए, ये मेंटेन्ड एज इज डन इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इनको वैसे ही हम बनाते हैं जैसे कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बनाते थे। अ सेल लेजर, एक सेल लेजर भी बनाया जाता है कंटेनिंग पर्सनल अकाउंट्स फॉर ईच कस्टमर। देखिए नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हम पर्सनल लेजर या पर्सनल अकाउंट्स नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ पर पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है हर एक कस्टमर के लिए अलग। इसी तरह से परचेज लेजर भी बनता है और हर सप्लायर के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। ओवरहेड लेजर इज़ मेंटेन्ड, ओवरहेड लेजर भी बनाया जाता है टू कंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
हर लेवल के अलग अलग खर्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर अलग अलग ओवरहेड लेजर भी यानी खर्चों के लेजर भी बनाए जाते हैं। अ कंट्रोल अकाउंट फॉर ईच सब्सिडरी लेजर इज मेंटेन्ड इन जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर हर एक सब्सिडरी लेजर का कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है यानी कि सब्सिडरी अकाउंट बनाया जाता है। द बैलेंसेज ऑफ ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स विच आर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अगर किसी भी तरह का कोई अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन अगर होता है खर्चों का यानी खर्चे आपने कम ले लिए या ज़्यादा ले लिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो डिफरेंस होता है उसको पी एंड एल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। द प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर पी एंड एल अकाउंट से इस पी एंड एल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भेज दिया जाता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है जो पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है और वहाँ पर सारे खर्चे हो जाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो अब कंपनी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो वाले खर्चे लिए जाते हैं। अगला देखते हैं इसका हम फीचर। सम बिजनेसेस फर्म्स मे इंटीग्रेट द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स अप टू द स्टेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो ये इंटीग्रेशन जो करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का, वो सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक ही करते हैं या फिर फैक्ट्री कॉस्ट तक ही करते हैं। व्हाइल अदर फर्म्स इंटीग्रेट द टू कम्प्लीटली, जबकि जो दूसरे तरह के जो बिजनेस हैं वो पूरे के पूरे अकाउंट्स को, सारे अकाउंट्स को लास्ट लेवल तक जो है इंटीग्रेट करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, ऑन द कंपनी, कोई इसको किसी लेवल तक इंटीग्रेट करता है, कोई पूरे लेवल तक इंटीग्रेट करता है। अ सुटेबल कोडिंग सिस्टम इज जनरली डेवलप्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ बोथ अकाउंटेंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट। इसके लिए एक बहुत अच्छा सुटेबल एक कोडिंग सिस्टम भी डेवलप करा जाता है ताकि जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं और जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं उनके जो भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अगला है कि यहाँ पर भाई यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, लेजर्स कौन कौन से बनते हैं। तो स्टोर लेजर बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, वेजेस के लिए, फैक्ट्री खर्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर ये इस तरह से अपने सारे के सारे अकाउंट से बनते हैं। आपको इन अकाउंट्स के सिर्फ नाम ही बता देने हैं, डिटेल विटेल कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेपर में इसमें से सिर्फ इतना ही आता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम की। आपको अगर थ्योरी चाहिए हो तो जितना इसमें लिखा है आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है और इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।